हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी रहनवासी। देखिए देखिए, मैं एक बात कह रही हूँ कि मैं सुबह तक, मैं जानबूझ के कहीं रुकी थी, अभी मैं सुबह तक सैलानी दरबार मतलब सैलानी पहुँच जाऊँगी और कल सैलानी पहुँच के परसों मंडे को पहली सलामी मैं अपने बाबा जी को दूँगी और दिवाली तक वहीं रह के पूजा करूँगी। जितने लोगों ने मुझसे काम चालू करा है ना धनतेरस का, उनको तो बहुत बड़ा फ़ायदा होना ही होना है। क्योंकि अब सोचो, जो मैं सीआर सिंगी का सिंदूर काली हल्दी के साथ मिक्स करके आप लोगों को देने वाली हूँ, जो लोग ने मेरे से पूजा करवाई है, आप सोचो वो सिंदूर अभी का नहीं है। आज करीबन 5 साल से मैं दिवाली की रात को सीआर सिंगी में सिंदूर भरती जाती हूँ और वो चीज़ें एक्टिव होती जाती है। और वो सिंदूर कहते हैं, अगर सीआर सिंगी का दिवाली की रात की पूजा के वो सिंदूर अगर हम माथे पर लगाते हैं तो ही पूरी दुनिया हमारे वश में रहती है। और वो सिंदूर को मैं काली हल्दी में डाल के आपको तावीज़ के तौर पे, पहले तो बहुत बड़ा वशीकरण होगा। दूसरी बात, बहुत सारे जनों ने मुझसे हराम का पैसा लिया है, जैसे रे रोड पे खाना खिलाने के नाम पे मेरे को फ़ोटो की फ़ोटो भेज देते थे। एक एक जन ने दो दो तीन तीन जन फ़ोटो पे फ़ोटो भेज देते थे और बोलते थे हमने खिला दिया। मैंने को भला लगा लेट, क्योंकि बीच में ऐसा था तो मैंने उनका पैसा पे कर किया है। तो एक बात पक्की है, उनको भी सबक मिलेगा, क्योंकि हम तो गरीबों के लिए कर रहे थे, इन लोगों ने गरीबों का फ़ायदा उठाया। वहाँ गरीबों को चढ़ाते, दो जो आया खाना मांगो, एक इंसान कितना खा सकता है। दूसरी बात, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे हराम के पैसे बहुत लिए हैं, ज़बरदस्ती। जैसे अभी हमारे पास एक ड्राइवर था, उसको मैंने पिछले साल दिवाली में अपने साथ बुलाया था। मेरी गलती हो गई थी कि मैंने उसको ये कह दिया था कि उसका डेली का वर्क नहीं, जितना भी हो अपना ज़रा मेरे लिए 10-15 दिन के लिए छुट्टी लेके आ जाए, मैं अच्छी खासी रकम दूंगी। हालांकि जिन लोगों का मैंने काम किया था उन लोग से, कुछ लोगों से मेरे को पेमेंट नहीं मिली थी, क्योंकि वो गरीब थे कांग्रेस के प्रत्याशी, झूठ नहीं बोलूँगी, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, अजमेर से थे, जयपुर से थे। उन लोगों को मैंने अच्छा खासा वोटों से जिताया, लेकिन वो लोगों ने क्या किया, पैसों की वजह से मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैंने कुछ बोले भी नहीं। उनकी वजह से मैं दूसरों के सामने झूठी पड़ी, मेरे भाई के सामने झूठी पड़ी, सबके, जिन्होंने मेरे भाई लोग ने मुझे चिढ़ाया, ऐसी बात है। तो उसकी वजह से, लेकिन उस सामने वाले को मैंने अच्छा खासा पैसा दिया। देखिए, मैं बोलती हूँ आपकी ईमानदारी किस में होती है, जो आपका डेली वर्क है। अभी डेली वर्क में अगर एक नॉर्मल ड्राइवर भी कहीं जाता है तो उसका डेली का 1500-2000, ऊपर से हम आपको रहना खाना ड्रिंक पानी सब दे रहे हैं। उनकी वजह से अगर आप किसी के साथ धोखा करते हो और सामने वाले पे प्रेशर डालते हो, ये भी नहीं डरते हो कि तुम जो पैसा घर पे लेके जा रहे हो, जैसे मैं आप लोग का हराम का पैसा अपने घर पे ले जाऊँगी, मेरे बच्चों पे खर्चा करूँगी, तो पैसा बचेगा नहीं, वो हराम का पैसा हराम में ही जाएगा उनके लिए। और ख़ास करके फिर जितने मेरे YouTube पे जो भी मुझसे पूजा पाठ करवाते हैं, मैं आपके पास नहीं आती हूँ, पहले तो आप मुझसे पूजा पाठ करवाते। जैसे अभी नाथ द्वारा में दो तीन जनों ने, एक जन ने ऐसा किया, पहले खुद दिया। देखिए, मेरा काम है, मैं YouTube चला रही हूँ, मैं आपको बोलूँगी 5 लाख डालो, 10 लाख डालो, आपको अगर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, आपको नहीं करना है मत करो, लेकिन आप इस तरह से अघोरियों से पंगा लोगे तो अच्छी बात नहीं है ना। तो वो काम, तो जितने लोगों ने ऐसा किया, मतलब पैसा देने के बाद अपनी होशियारी दिखाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया वो, और जो साइबर फ्रॉड वाले, वो जो लोग हमारा ही नमक खा के हमसे नमक हरामी किए, हमारे साथ बैठ के उठना खाना पीना सब रहना, फिर भी हमारी इन्फॉर्मेशन लोगों को दिए। मेरी लड़कियों की 100 लड़कियों की शादी में मैंने निस्वार्थ मन से अपने पैसे खर्च किए थे, मैंने कभी किसी को नहीं किया, वो बात भी सबको दिमाग पे लगी। और कुछ बच्चों ने मिलके मेरा अकाउंट फ्रीज करवाया, मुझे पता है किसने करवाया है, लेकिन कैसा है ना, अभी बोलेंगे नाम तो झगड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में सच किसी को कबूल नहीं होता है, मुझे शक है। लेकिन एक बात है कि जो हरकतें हुई है तो सीधी सौ सीधी बात है, अगर आपने अपनी ईमानदारी की है और मैंने आपके साथ बेईमानी की तो मुझे सज़ा मिलेगी। नहीं तो ये बात पक्की है कि जितने लोगों ने जितना हराम का पैसा खाया है तो ना वो पैसा आपको हजम होगा। मुझे जिसको देना है मैं कल परसों में सबको दे के हटाने वाली हूँ, लेकिन वो पैसे आप सोचो कि मैं दिवाली में अपना ऐश करूँ, देख लीजिएगा, आपने मुझसे 50,000 भी हराम का लिया होगा ना, आपका 5 लाख उस जगह पे दवाई पे डालेंगे। आपने अपने बच्चे के नाम पे भी अगर वो पैसा लिया रहेगा ना, तो वो बच्चों को हजम नहीं होगा, हो सकता है कि आपके बच्चे को पैरालाइज हो जाए, लेते कहते ना एक्सीडेंट हो जाए, कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें आपके हराम में जाएगी, ऐसी बात है। और जो मेरे साथ जो धोखा कर रहे हैं ना, उनको भी एक ही बात बोलूँगी कि आप पर मैं विश्वास कर दूँ इसका मतलब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे साथ धोखा कर दो इसका मतलब आपके अंदर ईमान धर्म नहीं है। तो सौ सीधी बात, ये जो पूरा एक साल के अंदर की जो जर्नी हुई है, एक दिवाली से ये दिवाली तक, जो भी जर्नी में जितने लोगों ने भी मुझसे हराम का पैसा लूटा है, हराम की चीज़ें की है, मेरी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है,
अननर्सरी मुझे गालियाँ दी है, अननर्सरी मेरे को बेवकूफ़ों में गिनती की है, अपने आप को तीस मार खा समझा है, मुझ पर गलत नज़र डाली है, जितने लोगों को भी मैं अपने जितना अच्छा करने को सोचती हूँ उतना अपनी वो कर रहे, ये पूरा इसका पूरा जवाब मैं नहीं दूँगी। मेरी शक्तियाँ, मेरा कहते ना मेरा सुल्तान जिन देगा, मेरा डेढ़ फुटिया जिन देगा आपको, और मेरा लौंगिया पहलवान जिन देगा। लौंगिया पहलवान हमारे गांव में जो सरहद पे एक दरगाह है उसमें वो जिन्नात रहते जो मेरे साथ आए हैं, और अब मैं जा रही हूँ जिन्नातों के बीच में। वहाँ तो आए दिन बहुत सारे जिन्नात रहते, रात को कौवे काव काव करते थे। एक बात याद रखना, इन सारे जिन्नातों को ऑर्डर देंगे मेरे सैलानी बाबा। तो एक बात याद रखना, इस बार की सज़ा मैं नहीं दूंगी आप लोगों को। ये जितना भी बुरा काम आप लोगों ने किया है, जिसने भी किया है, चाहे जिसके घर में मैं रहती थी उसको मैंने 70 की जगह लाख लाख रुपया भाड़ा इस मतलब से दिया था कि मैं अपने खुद के घर में जा सकूं, और उसने भी मेरे साथ कुछ एजेंट लोगों के कहने पे ये हरकत किया ना, उन एजेंट लोगों की मौत होगी, उस ओनर की मौत होगी, उस उन ओनर की मौत क्या, उसको तो मैं ओनर की मौत नहीं देना चाहती हूँ, मैं उसके भी बेटे की मौत चाहती हूँ कि कम से कम जिसके चलते उसका घर चलता है उसको भी ये दिन देखना पड़ेगा। तो सीधी बात है, जिसने जो भी पाप किया है, जितने मेरे घर में काम करने आते थे, काम करने के बाद भी हराम का पैसा खाया, हराम की चीज़ें की, है ना, उन सब की सज़ा ये है कि आने वाली दिवाली की रात तक जो तुम्हारे साथ होगा, और जो मस्तान बाबा मेरे सैलानी बाबा तुम्हारे लिए सज़ा लिखे रहेंगे, वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं अपना कर्म करके हट जाऊंगी, मैं तुम्हारी चीज़ दे के तुमको हट जाऊंगी, लेकिन तुमने जो मेरे लिए बुरा बोला है, मेरे लिए अपशब्द बोला है, मेरे लिए पूजा कराई है, मेरे लिए बकरा काटा है, मेरे लिए हर एक चीज़ के हमारे बच्चों को भड़काया है ना, अपने स्वार्थ के लिए मेरा यूज़ किया है, उन सबको मेरे सैलानी बाबा जवाब देंगे, और देंगे, मुझे पूरा भरोसा है देंगे, 101% भरोसा है देंगे। और कौन माइका लाले कि मुझे वहाँ जाने से और वहाँ बैठने से रोक सकता है, वो मेरे बाबा की जगह है, और जहाँ मेरे बाबा खड़े हैं ना वहाँ पे किसी की नहीं चलती। एक बात याद रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम मेरा रास्ता रोकने को जाओ और तुम्हारा रास्ता हमेशा के लिए कट जाए, ऊपर का टिकट कट जाए, ये बात याद रखना। क्योंकि आप अपनी बेटी का जवाब देने, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने मेरे बाबा खुद आएंगे और पक्का आएंगे, ये मुझे भरोसा है। इतना पूजा पाठ किया है, इतना डेली दिल से मैं मन वो कर रही, तो वो मेरे लिए कभी भी गलत नहीं करेंगे, लेकिन अब तुम्हारा टाइम आया है सज़ा भुगतने का, ये मेरा वादा है। ठीक है, जय माता दी।